ओम सैनी साहब से इसलिए इस बात को शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि कम्युनिस्टों का जो मतलब, मैं आप कुछ दिन रहे, आप उससे प्रभावित रहे, वो एक आदर्श उस समाज की व्यवस्था की बात करता था, जो जिस जिसका सपना इस देश के बहुत से लोगों ने, जो भले ही कांग्रेस में रहे हो या कहीं हो, उन्होंने भी देखा था, जिसका सपना कभी भगत सिंह ने भी देखा था कि भारत कैसा होगा। आज की तारीख में जहां हम जिस जगह खड़े हैं, उस जगह अब ये भी एक अपने में मतलब, अब ये भी मुझे लगता है कभी कभी कि ये भी क्या भारत हो गया है, कि अब आरएसएस की विचारधारा चलेगी कि गांधी की विचारधारा चलेगी, ये भी अब डिबेट का विषय हो गया। मुझे लगता है इलेक्शन जीतने और इलेक्शन हारने के लिए आरएसएस की विचारधारा यह सब ठीक है, लेकिन जो लार्जर चीज है, जहां पे भारत एज अ राष्ट्र, भारत एज इंडिया एज एन आइडिया, उसमें मेरे ख्याल में कहीं से भी आरएसएस की विचारधारा फिट नहीं होती। ओम सैनी साहब, मैं आज हम लोग शायद पॉलिटिकल होने के बजाय एक आइडियलिस्टिक स्टेट की बात भी थोड़ा करेंगे, और आज की तारीख में वो अचीवेबल है कि नहीं, कि वो केवल अब किताब की बात बन के रह गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं शुरुआत आप ही से करना चाह रहा हूँ, ओम सैनी साहब। आनंदवर्धन जी, एक बात आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जब साम्यवाद की लहर चल रही थी और जिस तरीके का समाज साम्यवादी बनाना चाहते थे, भारत में आकर के वो सब कुछ बड़ा बदल गया। भारत में उस वक्त के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जिस तरह के लोक कल्याणकारी राज्य को, जो भारत के प्रियम्बल के मुताबिक स्थापित होना चाहता था, उसको नौजवान लोग बहुत पसंद करने लगे। इसमें कहीं, क्योंकि वर्ग संघर्ष के रास्ते पे चल के वो सब चीज़ें हासिल नहीं हो सकती थी, बदले हुए हालात में हम देख भी रहे हैं। वर्ग समन्वय के माध्यम से, तो एक थीसिस पंडित नेहरू के साथ में, के नेतृत्व में, हमारे संविधान के माध्यम से सामने आई, उसे लगा कि हाँ, वर्ग समन्वय के रास्ते पे चल करके और सबको समाहित किया जा सकता है, जिसमें चाहे वो बड़ा राजा हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, ये सारे समन्वित हो सकते हैं। उन सब के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उन जो मतलब निर्धारित होते हैं, तो उसी के मुताबिक चला जा सकता है, तो कोई संकट था नहीं। ये बहुत अरसे तक वो अति उत्साह में ये सब सिलसिले बनते रहे कि साम्यवादी आंदोलन में जो एक काफी मजबूती के साथ में लड़ने का जो सिलसिला होता था, वो ट्रेड यूनियन लेवल पे होता रहा, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो सब बातें संसद में पहुंचने से ज्यादा बेहतर हो सकती है, ये समझ में आ गया। तो इसी बात को लेकर के मैं समझता हूँ कि पंडित नेहरू ने जिस तरह का कि अर्थव्यवस्था का निर्माण किया उन्होंने, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों समान रूप से थे, और जिसमें वो इंस्टीट्यूशंस जो सामान्य जन के लिए बड़ा जरूरी है, अर्थ जैसे बुनियादी स्ट्रक्चर जो बनना है, वो पब्लिक सेक्टर में रहे और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग व्यवसाय ये सब कुछ करने का सिलसिला है वो सब रहे। लेकिन चीजें अब बदल गई हैं, वो तो जो जिस तरीके का दृश्य था वो बदलते हुए, श्रीमती गांधी के वक्त में कुछ और हुआ, मोरारजी भाई के वक्त में कुछ और रहा, फिर उसके बाद में ये जो खुला एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी जो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसने सब कुछ हमारे स्ट्रक्चर को बड़ा डिस्टर्ब किया है। उसमें जिस तरीके की छूट दे करके और हमें अपने सिस्टम को बचा के चलना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। उस बात को रियलाइज किया UPA 1 की जब स्थापना हुई और जब सरकार बनी मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप में, हालांकि मनमोहन सिंह जी खुद मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के हामी हैं, लेकिन जब सरकार बनी तो उसमें वो जो सब तरह का सिलसिला, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना, उसमें फिर वही झलक मिल रही थी जो पंडित नेहरू के वक्त में थी या इंदिरा जी के वक्त में थी, वैसी झलक मिल रही थी और वो आम आदमी को बड़ा सूट करती थी। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इमर्ज हुई है, और जी जो उसी डेवलपमेंट के उस मॉडल को जो मनमोहन सिंह जी के वक्त में था, उसी को लेकर के चलना चाहती थी, और उसमें कुछ और छूट देने के सिलसिला, क्योंकि बिगिनिंग से ये तो मोनोपोलीज के भी समर्थक रहे और प्राइवेट सेक्टर के भारी समर्थक रहे, जनसंघ के रूप में भी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में। लेकिन वही बात जब 2014 में आए तो बात ही बहुत बदल गई। अब आप एक मल्टीनेशनल्स के उसमें नहीं, अब आप कॉरपोरेट के साथ में राजनीति का समन्वय करके, और एक नया इकोनॉमिक मॉडल सामने आ रहा है, और जो बड़ी आलोचना का विषय
जरिया बना हुआ है। अडवाणी और अंबानी एक तरफ तो बहुत लोगों के पास बड़ी पूंजी है और दूसरों के पास में कुछ भी नहीं है, ये एक वो है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वैचारिक लड़ाई प्रारंभ हुई और उसमें जहाँ पर कांग्रेस ने अपना स्वरूप तय किया है और जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी बात कहने के उसमें रहे हैं और उसका एक असर भी देखने को मिला, तो उसमें और इस सुधार का रास्ता भी जो बताया है, जो गारंटीज वाला सिलसिला चला, ये समाज ऐसा बनना चाहिए, इसका एक चित्र था और वो उसी को लेकर के और हुआ। लेकिन जो कुछ हमने देखा है अभी इन तीन चुनावों में वो तो बहुत अलग किस्म से आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पराजय हो गई है, इसका मतलब है कि बहुत सारी खामियां हैं। कांग्रेस का अपना स्ट्रक्चर भी बड़ा कमजोर और बड़ा अजीब किस्म का बना हुआ है, उसकी लीडरशिप की भी खामी है। अब इंडिया के रूप में सब इकट्ठे होकर के वापस अगर उसी तरह का समाज बनाना चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने लक्ष्य बना करके चला है, तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत दूर तक जाना है। आरएसएस और बीजेपी का जो समन्वित रूप सामने आया है, तो उसमें तो ये लगता है कि कॉरपोरेट्स के हाथ में सब कुछ चला जाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में कुछ रहेगा नहीं और उन्हीं के माध्यम से जो कुछ होगा वो। लेकिन यही लड़ाई है, इसी लड़ाई में मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया के जो घटक है वो सब सोच समझ करके चलेंगे तो होगा संघर्ष बड़े जोर से। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि सामान्य जन जिस दिन चेत जाएगा और जिस दिन लगेगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पिसता वो है, तो राष्ट्रवाद की इस चाशनी में जिस तरीके से चीजें लिपट करके उसके गले से उतर रही है, वो एक सेकंड में कड़वी हो जाएंगी और चीजें बहुत बदल जाएंगी। जी ओम सैनी साहब, मुझे बस एक छोटी सी टिप्पणी, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कुछ चीजें नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होती है, चाहे कुछ हो जाए हम इस पर कुछ बात नहीं हो सकती। उसी में से मेजर शैतान सिंह और वो 14 कुमायूं रेजिमेंट के 114 शहीदों की बात है, और वो ज्यादा हरियाणा के अहिर और जाट और यादव लोग थे भाई, जिन्होंने जब हथियार नहीं बचे थे तो अब वो ताकत और पहलवान थे, दोनों तरफ दबा के चीनियों को सिर भिड़ा के मार डाला था। 700 या ऐसी कोई फिगर है, मैं तुरंत मेरे पास नहीं है, लेकिन वो 700 से ऊपर की फिगर है। मैं ओम सैनी साहब बहुत एक छोटी टिप्पणी इस पे, ये आइडिया ऑफ इंडिया है जी? नहीं, मैं इस पे देखिए, ये तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो बदल रहा है, जिसकी वजह से सारी सारी समस्याएं हैं, उन पे गौर किया जाना चाहिए। मॉडल वही 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे, उसके अंदर जो बदलाव थोड़े से वक्त के साथ साथ में होने चाहिए, वो करने की ज़रूरत है। तो और ये तो देखिए वक्ती चीज़ें हैं जो इस वक्त क्रिएट हो रही हैं, ये जो NDA या BJP की सरकार जो बोल रही, तो जैसे ही लोगों का ये अफीमी प्रभाव नष्ट होगा वैसे ही चीज़ें लोग मोबिलाइज होंगे। हमने इस तरह के बहुत से, हमने मिसेस गांधी के साथ में भी ऐसा देखा है, इंदिरा जी के साथ में क्या हुआ था, लेकिन फिर वापस कैसे आई थी, इमरजेंसी कैसे लगी थी, वो तो भुगती है, उसके बाद में कैसे सारा सीन बदला है, तो वो विचार का मतलब वो नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारे इकोनॉमिक मॉडल को टोटली ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो जिस तरीके से कॉरपोरेट के हाथों में दे रहे हैं चीजें, और जिस तरीके सामान्य जन की सारी वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा और उस पर केंद्रित होकर बात की जानी चाहिए। मैं तो ये तो मेरे को मालूम है, हम लोग ये जो जाट बटालियन या सिख बटालियन इन सबको भी ध्वस्त करने का सिलसिला था कि हमारे यहाँ तो इस तरह की चीज ही ना हो, हमारी आर्मी सिर्फ आर्मी है, हमारी एयरफोर्स सिर्फ एयरफोर्स है, इन सब चीजों से। लेकिन अब तो दूसरा चीज आ गई सारी की सारी, जातियों को पुनः जागृत किया जा रहा है, वर्णों को पुनः स्थापित किया जा रहा है। इस बैकवर्डनेस से इस ये जो सोच का तरीका है, ये इन्हीं लोगों का है, क्योंकि इसके बगैर ये स्थापित नहीं हो सकते, इसी से स्थापित हुए हैं। कल बड़ी तरकीब से पहले चारों वर्ण पैदा किए, फिर उसके बाद में जातियां किया, उनके साथ में कैसे उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल होना चाहिए वो किया। तो अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी ने बड़ी मेहनत की है अपने आप को स्थापित करने के लिए, और हमारे दिमागों में जिस तरीके से चीजें डाली है, जो वैल्यूज हमारे जैसे निष्ट की है, जो हमारे बोर्न वैल्यूज थी, जिसके लिए किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता था, हमें पैदा होते ही शादी ब्याह इन सब चीजों में यही सब समझाया जाता था कि न्याय के साथ में रहो, सत्य के साथ में रहो, इतनी सारी बुराइयों के बावजूद वो चीजें इन्होंने नष्ट करने की पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के हमारे सारे चर्चा के अंदर महत्वपूर्ण यह है कि हमारा
इकोनॉमिक मॉडल जो जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है वो अपने आप में बड़ा खतरनाक है, और हिंदुस्तान के हर आदमी को उसको समझना चाहिए। हमारा चैनल जो मदद कर रहा है वो तो कर ही रहा है, हम बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे ये सारे विभिन्न आयामों से जो देखा है आपने, हिंदुस्तान कैसे बचे, हिंदुस्तान कैसा हो, ये सारी बातें की। ये इसके लिए आपके आभारी होंगे लोग, हमारे भी आभारी होंगे। कुछ चीजें गालियां नहीं देंगे आज, निश्चित रूप से नहीं देंगे जी, जी। माँ